अमलतास का पेड़ है, इसके हम फूल तोड़ते हैं। और ये जो अमलतास का पेड़ है सभी जगह मिल जाता है, और ये फूल गर्मियों में ही खिलते हैं। इसके फूलों को हम तोड़कर इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाते हैं। फूलों को हम तोड़ लेंगे, सबसे पहले इसके डंठल से ही तोड़ लेते हैं और घर में फिर हम इसे साफ कर लेंगे। इसमें अमलतास औषधीय गुणों से भरपूर होता है। देखिए, हमने ये अमलतास के फूल लेके आए घर पे और अब हम इसे साफ कर लेंगे। हमें फूलों से ही सब्जी बनानी है तो इसे हम ऐसे साफ करते हैं, ये पत्ते पत्ते निकाल लेते हैं। इसके डंठल, ये जो कड़ा हुआ भाग रहता है ये नहीं निकालना है हमें, बस पत्ते पत्ते। देखिए इस तरह से जो ये बंधा हुआ है, आप इससे भी पत्ते निकाल सकते हैं। जैसे यूं पकड़ा और ये सामने से ये पत्ते निकाल लिया। अमलतास औषधीय गुणों से भरपूर होता है, ऐसे ही हम इसके पत्ते निकाल लेंगे। देखिए, हमने फूलों की पंखुड़ियां निकाल ली है, इसे अच्छे से धोकर हम मोटा मोटा कट कर लेंगे। अमलतास की सब्जी बनाने की सामग्री है, हमने 2 कटोरे अमलतास के फूल की पंखुड़ियां ले ली थी, इसे अच्छे से वॉश कर लिया और हमने मोटा मोटा कट कर लिया। जब इसको कट किया तो ये 1 कटोरा रह गया। जब हम कट करते हैं, पानी से धोते हैं फूलों की पंखुड़ियों को, तो ये कम हो जाते हैं। और उसी के बराबर हमें प्याज लेना है बारीक कट करके। मैंने 4 बड़े प्याज लिए हैं, 2 हरी मिर्च ली है बारीक कट करके, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई, 2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, और ये 1 छोटी कटोरी हमने बेसन लिया है, और 3 से 4 बड़े चम्मच हमें ऑयल लगेगा, इसमें ऑयल ज़्यादा लगता है। चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ये कढ़ाई रख दी है, गैस ऑन कर दिया। अब हम ऑयल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, जीरा राई डाल देते हैं। जीरा राई तड़क गया है, अब हम ये प्याज डाल देंगे और हरी मिर्च डाल देते हैं साथ में। इसे हम अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को भून लेंगे। देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये नमक। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब ये फूलों की पंखुड़ियों को जो काटा है उसको डाल देंगे। इसे हमें सॉफ्ट होने तक 3 से 4 मिनट पका लेंगे, उसके बाद हम बेसन डालेंगे। हमें सब्जी में खटाई डालने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी फूलों में ही खट्टापन होता है। देखिए, फूल सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसमें बेसन डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम हमें धीमी रखना है और धीमी फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। हम थोड़ा सा पकाने के लिए इसमें पानी डालेंगे, बस 2 टेबल स्पून के बराबर। हमने 2 टेबल स्पून पानी डाल दिया और इसे एकदम धीमी आंच में हमें 10 से 12 मिनट पकने देंगे। बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे, ढक्कन ढक देते हैं। देखिए, सब्जी बनकर तैयार है। हमें सब्जी बनाने में 12 से 15 मिनट लगा है। देखिए, बहुत अच्छे से पक चुकी है सब्जी। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला डाल दिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं गरम मसाले को, और अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। फ्लेम बंद कर दिया है, अब हम इसे डोंगे में निकाल लेंगे।
देखिए अमलतास के फूलों की सब्जी बनकर तैयार है। हमने इसे हरे धनिया से गार्निश कर लिया है और यह सब्जी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है और गुणकारी होती है। आप इसे ज़रूर बनाइए। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।